नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों संतुष्ट होंगे, दोनों गदगद होंगे कि बजट पर क्या खूब तालियां बजी है। दरअसल अपने यहाँ टीवी चैनलों पर बैठकर बोलने वाला दिल्ली का जो एलिट है वह कुल मिलाकर सत्ता की वाहवाही करता है। हर साल यह अनुभव होता है कि अरबपति, औद्योगिक संगठन, अर्थशास्त्री, संपादक सब बजट को शानदार बताते हैं। सो इस वर्ष भी रस्मी वाहवाही है। इस वाहवाही के बीच बुनियादी सवाल है कि इससे क्या भारत की आर्थिकी उड़ने लगेगी? क्या ये बजट वैसा ही कायाकल्प कराने वाला है जैसे पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले बजट से हुआ था? बजट से कौन चमत्कृत है? अपना मानना है कि भारत के लोग, कारोबारी, दुनिया के निवेशक सभी आंखें फाड़कर इंतजार कर रहे थे कि मोदी जेटली बजट में कैसा कमाल करते हैं। जो अभी तक नहीं हुआ क्या वह होगा? देश, दुनिया सब सांस रोके साहसिक बजट की उम्मीद में थे। सो सवाल है कि क्या ये उम्मीदें फलीभूत हुई है? लोगों की आंखों में चमक है, जोश है, यह मूड है कि अरे यह तो पिछले बजटों जैसा ही एक बजट है। बजट से दो तरह के लोगों की बहुत उम्मीदें होती है। आम आदमी और खासकर मध्य वर्ग यह उम्मीद करता है कि उसे कुछ मिलेगा। दूसरे निवेशक उम्मीद करते हैं कि उस पर टैक्स, अफसरी मार घटेगी और धंधे व मुनाफे का मौका बनेगा। इन दोनों वर्गों के लिए बजट कितना चमत्कारिक हुआ है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों घमासान मचा दिख रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कई किस्म की अफवाहें सुनने को मिलेंगी। एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी दो हफ्ते की छुट्टी पर गए तो उनके विरोधी एक नेता ने पार्टी दी। कुछ नेता इस बात के चटखारे लेते दिखे कि राहुल की नाराजगी पर कुछ नेताओं ने लड्डू बांटे, लेकिन पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि सारा विवाद और आंतरिक घमासान प्रायोजित है, स्टेज मैनेज्ड है। आखिरकार राहुल को आकर पार्टी की कमान संभालनी है। उससे पहले ये दिखाया जा रहा है कि तांत्रिक प्रक्रिया के जरिए राहुल की ताजपोशी हो रही है। एक रणनीति के तहत सोनिया के भरोसे के नेताओं से बयान दिलाया गया कि राहुल कमान संभालेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। सोनिया गांधी के सबसे भरोसे के दो लोग एके एंटनी और अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल छुट्टी से लौटेंगे तो ज्यादा ऊर्जावान होंगे और कमान संभालेंगे तो उसमें सबको जगह मिलेगी। फिर राहुल की टीम के सदस्य सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहना चाहिए। केवी थॉमस और अश्विनी कुमार ने उनका समर्थन किया। इससे पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को पूरी छूट के साथ कमान सौंप दी जानी चाहिए। पार्टी के एक नेता का कहना है कि रणनीति के तहत पार्टी नेताओं से अलग अलग बयान दिलाए जा रहे हैं ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में बेटे को पार्टी के ऊपर थोप दिया। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में असली घमासान छिड़ा है। पार्टी के भीतर अरविंद केजरीवाल की मनमानी को लेकर कई नेता नाराज हैं। एक तरफ टीम केजरीवाल है जो सरकार और संगठन दोनों पर पूरा नियंत्रण चाहती है, तो दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण हैं जो संगठन अपने हाथ में लेना चाहते हैं। असल में आपका घमासान पार्टी पर कब्जे को लेकर है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास ने इस पर सवाल उठाए हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का मुद्दा उठा है, पर चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की समिति में केजरीवाल समर्थक भरे हुए हैं, इसीलिए दो दिन की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। असल में केजरीवाल समर्थक नेताओं का कहना है कि रामदास चूंकि प्रशांत भूषण के करीबी लोगों में हैं, इसीलिए इन लोगों ने चिट्ठी लिखवाई और उसे लीक कराया है। इस आधार पर संभव है कि 4 मार्च को होने वाली बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों पर कार्रवाई हो। पार्टी में झगड़ा सिर्फ एक व्यक्ति एक पद का नहीं है, बल्कि दिल्ली चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरू हुआ विवाद भी मौजूद है। इस पर प्रशांत भूषण के सवाल उठाने से केजरीवाल समर्थक नाराज हैं। पार्टी को मिले चंदे को लेकर भी केजरीवाल के कुछ करीबी लोग प्रशांत और योगेंद्र यादव के निशाने पर हैं। दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार और किसी महिला को मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी विवाद है। इन सब पर से फोकस हटाने के लिए केजरीवाल इस्तीफा देकर अपने भरोसे के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय संयोजक बनवा सकते हैं। इसके लिए आशीष खेतान, आशुतोष और पंकज गुप्ता का नाम चर्चा में है।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के सरकार में शामिल होने का फायदा होगा या नुकसान। भाजपा का शुरुआती आकलन था कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य में भाजपा की सरकार बनने का फायदा होगा और देश भर में वाहवाही होगी, लेकिन अब कई नेताओं का मानना है कि ये तब होता जब चुनाव के तुरंत बाद भाजपा की सरकार बन जाती। अगर भाजपा अपनी शर्तों पर सरकार बनाती और दशकों से विवादित रहे मुद्दों पर मजबूत स्टैंड लेती तो फायदा होता, लेकिन जिन शर्तों पर सरकार बनी है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं और शपथ ग्रहण के दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो बातें कही, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया उनसे भाजपा और संघ के ज्यादातर नेता खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया में भाजपा पर अपने कोर मुद्दों के साथ समझौता करने को लेकर खूब हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुफ्ती ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान को श्रेय दिया। अलगाववादी रहे सज्जाद लोन भाजपा कोटे से मंत्री बने। चुनाव जीतने पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाने वाले अशरफ मीर भी मंत्री बने हैं। अनुच्छेद 370 के मसले पर भाजपा के ऊपर रुख बदलने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी ने बाप बेटी यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की जमकर आलोचना की थी, लेकिन अब उनके साथ ही सरकार बनाई है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर झगड़ा पड़ गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पार्टी का अंदरूनी झगड़ा बाहर आ रहा है और इस वजह से पूरी पार्टी मजाक का विषय बन गई है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी नेताओं की स्थिति हास्यास्पद होती जा रही है। उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा राजनीतिक मामलों की समिति के दो सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की ओर था। उन्होंने कहा कि पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास की चिट्ठी लीक कराई गई है। इस चिट्ठी में रामदास ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी राष्ट्रीय संयोजक बने रहने पर सवाल उठाया है। रामदास और प्रशांत भूषण की चिट्ठी लीक होने का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि 4 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सारे मसले पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को PAC से निकालने का फैसला हो सकता है। आम आदमी पार्टी के दो नेताओं ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर केजरीवाल को कमजोर करने और उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी की दिल्ली इकाई के सचिव दिलीप पांडे ने एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव चाहते थे कि पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाए, इससे केजरीवाल कमजोर होंगे और उनको राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाया जा सकेगा। उन्होंने अखबारों में पार्टी विरोधी खबरें छपवाने, उम्मीदवारों पर गलत आरोप लगाने और साजिश रचने आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि शांति भूषण ने अपनी साजिश में आशीष खेतान को शामिल करने का प्रयास भी किया था। उनका कहना है कि आपके चंदे का मुद्दा उठाने वाले समूह आवाम को भी इन नेताओं का समर्थन हासिल था। पार्टी के एक और नेता दुर्गेश पाठक ने भी इन तीनों नेताओं पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। इस बीच योगेंद्र यादव ने कहा है कि आप में संकट की सारी खबरें काल्पनिक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी छोटी बातों को बड़े लक्ष्य में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के दिए विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव चुनाव आयोग, सेना व अर्धसैनिक बलों और प्रदेश के लोगों की वजह से संपन्न हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और BJP का मुफ्ती के बयान से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि सईद ने कल शपथ लेने के बाद कहा था कि अलगाव आतंकवादियों और सीमा पार के लोगों की वजह से प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग वोट डालने के लिए आए। इस बयान पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ही जोरदार आपत्ति जताई थी, लेकिन आज कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर सफाई देने की मांग करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आदि के सांसदों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच पार्टी ने 5 राज्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया विभाग के प्रभारी रहे अजय माकन को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को माणिक राव ठाकरे की जगह महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात में भरत सिंह सोलंकी को अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ने नए बने राज्य तेलंगाना में उत्तम रेड्डी को और जम्मू कश्मीर में गुलाम अहमद मीर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
तेलंगाना में एक कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनाया गया है। AICC के सचिव संजय निरुपम को मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कृपा शंकर सिंह के बाद वो ये जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे प्रवासी हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 प्रदेशों में नए कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की है और क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सभी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगी। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा की जगह लाल सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने की खबर है, लेकिन आज उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। करीब एक दशक बाद जगमोहन डालमिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर अध्यक्ष फिर वापसी की है। बोर्ड के पिछले अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के संपूर्ण समर्थन के दम पर डालमिया BCCI के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। BCCI और ICC के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पूर्वी क्षेत्र से उनको कोई प्रस्तावक नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सचिव चुने गए हैं। उन्होंने श्रीनिवासन के करीबी माने जाने वाले संजय पटेल को हराया। कांग्रेस सांसद और BCCI के उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला चुनाव हार गए। उनको हरियाणा क्रिकेट संघ से जुड़े अनिरुद्ध चौधरी ने हराया और कोषा अध्यक्ष चुने गए। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी संयुक्त सचिव चुने गए हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। वर्ष 2015-16 का बजट भारत की आर्थिकी को बदलने का मौका था। देश दुनिया ने सुपरहिट हीरो नरेंद्र मोदी से उम्मीद करते हुए आंखें फाड़ एक दबंग बजट का इंतजार किया। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस के छोड़े हुए फ्रेमवर्क में नौकरशाही के भरे रंगों का यह एक महज बजट है। इसमें मोटी चिंता सबको खुश रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने की है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पर उद्योग जगत ने खुशी जाहिर की है, लेकिन यह खुशी रस्मी थी। हर बजट के बाद उद्योग जगत और उनसे जुड़े संगठन ताली बजाते रहे हैं। कभी प्रणब मुखर्जी या पी चिदम्बरम के बजट की आलोचना भी उद्योग या कारोबारी दुनिया के लोगों से सुनने को नहीं मिली है। इसीलिए जेटली के बजट पर उनकी तारीफ को अंतिम नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्योग और कारोबारी जगत की तमाम तारीफों के बावजूद दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने इस पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह सवाल उठाया कि वित्तीय घाटे को पहले से तय लक्ष्य के दायरे में रखने की बात से सरकार क्यों पीछे हटी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटे को 4.1% रखने की कामयाबी हासिल की है। अगले साल के लिए लक्ष्य 3.6 का था, जिसे बढ़ाकर 3.9 कर दिया गया और इसे 3% पर लाने का लक्ष्य भी एक साल आगे बढ़ा दिया गया। इस पर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने चिंता जाहिर की है। उनकी असली चिंता भारत का वित्तीय अनुशासन है। तभी सवाल उठा है कि सरकार ने जब घाटे की ज्यादा चिंता नहीं की है तो उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा देने के कुछ और उपाय क्यों नहीं किए, ताकि मांग बढ़ाई जा सके और उसके आधार पर विकास दर तेज की जा सके। वित्त मंत्री ने कैसे सिर्फ अकाउंटिंग की है, इसकी मिसाल खुद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पेश की है। जेटली के जिस एक प्रस्ताव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो कॉरपोरेट टैक्स को अगले 4 साल में 30% से कम करके 25% करने का है। इस बारे में पूछे जाने पर खुद जयंत सिन्हा ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स कहने को 30% है, लेकिन कॉरपोरेट को दूसरे तरह की जितनी छूट दी जाती है उसकी वजह से उनका वास्तविक टैक्स 23% ही बैठता है। यानी पहले वास्तविक कॉरपोरेट टैक्स 23% होता था, जो अब 25% हो जाएगा और उन्हें मिलने वाली दूसरी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी जिस तरह से आम आदमी के ऊपर सर्विस टैक्स का भार बढ़ा है, वैसे ही कॉरपोरेट पर 2% टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसे ही सरकार ने मध्यम वर्ग को खुश करने वाला कोई सीधा प्रस्ताव नहीं किया। आयकर की दरों में सीधे कोई कमी नहीं की गई, दूसरे माध्यम से कर राहत के उपाय किए गए। जयंत सिन्हा ने समझाया कि 7 लाख रुपए तक जिन लोगों की आय है वो अगर सारी छूट लेते हैं तो उनको कोई कर नहीं देना होगा, लेकिन इसके बावजूद हकीकत ये है कि 7 लाख ऊपर की आय वाले के पास भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, क्योंकि वो नए प्रस्तावों के मुताबिक निवेश करके ही टैक्स बचा सकता है। सब्सिडी को लेकर सरकार ऐसे संकेत दे रही थी कि वो बड़ा नीतिगत बदलाव कर सकती है, लेकिन उसे भी जस का तस रखा गया। मनरेगा सहित सामाजिक विकास की सभी योजनाओं को पहले की ही तरह फंडिंग होती रही। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह भारत में अब तक पेश होने वाले बजटों की निरंतरता वाला बजट है। इसमें पिछले वित्त मंत्रियों से अलग हटकर कोई नया काम नहीं किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए एकाध प्रस्तावों को छोड़ दें तो सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद वर्ष 2015-16 के बजट पर चर्चा करेंगे।
अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने बजट को इस हेडिंग से पेश किया है कि भीड़ को खुश करने का एक बैलेंसिंग एक्ट, यही हकीकत है। ऐसा ही चिदंबरम प्रणब मुखर्जी भी करते थे। सो ये विचार करना होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसा क्या क्या किया है जो अभूतपूर्व, चमत्कारिक व धमाकेदार है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और खुद नरेंद्र मोदी को जो ऐतिहासिक जनादेश मिला था, उसमें क्या पूरी दुनिया, देश दुनिया आंखें फाड़ कर इस बजट को देख नहीं रही थी कि क्या चमत्कार होता है, और उस मनोदशा के बीच में सचमुच में कितना चमत्कारिक बजट रहा है ये? अगर उस दृष्टि से देखें तो इतने बड़े जनादेश, एक राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक पूंजी के साथ बनी हुई सरकार से जिस तरह की अपेक्षाएं थीं और अर्थव्यवस्था में भी जिस तरह का माहौल था, क्योंकि एक तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने से सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो रहा था, बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट पर भी उतना प्रेशर नहीं था, और जो आपका एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना दबाव नहीं था सरकार पर, तो ये एक हिस्टोरिक मौका था। लेकिन उस हिसाब से जो खुद वित्त मंत्री ने कहा कि क्वांटम जंप का ये मौका है, हाँ। तो अब वो क्वांटम जंप इस बजट में नहीं दिखाई पड़ता है, उसकी बजाय उन्होंने ये बुनियादी सवाल ये कि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दुनिया भरोसा करने लगी है, उड़ने का वक्त है और क्वांटम जंप की जरूरत है, छोटे मोटे इधर उधर के उससे नहीं होगा, फिर भी क्या क्यों क्या कहां क्या कमी रही है? अब खुद उन्होंने ये बात एक तरफ तो यहां शुरुआत में बजट भाषण जब वो कर रहे थे तो शुरुआत यहां से कि क्वांटम जंप का समय है, लेकिन दूसरी तरफ जब अंत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक तरह से ये उड़ने का वक्त है, लेकिन जैसा कि दुनिया हमें कहती है कि हम एक हाथी हैं, तो हाथी धीरे चलता है पर मंजिल पर पहुंचता है, तो हमने एक शुरुआत की है। तो एक तरह से उनकी बातचीत से भी साफ है कि वो बड़ा फूंक फूंक करके कदम उठाना चाहते थे और उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज थी उसमें जिस तरह का बड़ा जोखिम या साहसिक बजट जो कर सकते थे उसके बजाय उन्होंने एक सृजनात्मक बढ़ोतरी, जो एक तरह से क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म की बात उनके इकोनॉमिक सर्वे में भी थी, तो उस पर ही वही बुनियादी सवाल है कि इस समय जब राजनीतिक हालात ठीक है, सब कुछ है, तो जोखिम क्या नहीं उठाई जा सकती थी? उठाई जा सकती थी। जैसे उनके भाषण में सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो निवेश, जो निवेश को लेकर के एक सवाल था, क्योंकि अर्थव्यवस्था जहां पर फंसी हुई है वहां निवेश को बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। निवेश बढ़ाने के लिए दो चीजें करनी थी, एक तो सेविंग पर जोर देना था और दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब ना आ रहा हो तो आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज कर सकते हैं, तो यह मौका उनके पास था। लेकिन हुआ यह कि आप इस साल का जो बजट देखिए तो उसमें उन्होंने एक तरफ यह भी चिंता की कि रेटिंग एजेंसियों, शेयर मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पर जोर दिया, हालांकि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को उन्होंने थोड़ा सा एक तरह से रोका है इस साल के लिए, कि उन्होंने कहा कि हम 3.6 के बजाय 3.9 रखेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब ये आपने फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था उसको मिस करना ही था तो थोड़ा और बढ़ सकते थे, थोड़ा अपने लिए और स्पेस और जोखिम ले सकते, और जोखिम ले सकते, या सामाजिक जो योजनाएं हैं या बाकी जो खर्चे हैं, मनरेगा खर्चे रोका जा सकता था, क्या था उसमें? अब देखिए, अब मनरेगा को लेकर के जो सवाल था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले भाषण दिया था, असफलताओं का स्मारक है, फिर भी उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने एक वित्त मंत्री ने यह भी कहा अपने बजट भाषण में कि ग्रामीण इलाके में लोगों की आय में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो एक तरह से बजट में राजनीति का भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं और उसके कारण कई समझौते किए हैं, जो बड़े अपेक्षाएं थी जैसे सब्सिडी रिफॉर्म को लेकर के सब्सिडी में बड़े कट होंगे, लेकिन सब्सिडी में कोई बड़ा कट नहीं है, ये कि और डिसइन्वेस्टमेंट का लंबा चौड़ा बन सकता था। डिसइन्वेस्टमेंट में उन्होंने घोषणा की है, हालांकि उन्होंने बजट भाषण में जोर शोर से नहीं बोला, क्योंकि उनको डर था कि राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन लगभग 70,000 करोड़ रुपए का, और उसमें पहली बार इस बजट में उन्होंने स्ट्रेटेजिक सेल का भी अनाउंसमेंट किया है, यानी सीधे प्राइवेटाइज करना, यानी केवल हम स्टेक सेल
नहीं करेंगे, पूरी कंपनी ही बेच देंगे। तो उस पर करीब 29,000 करोड़ उन्होंने उम्मीद रखी है कि 29,000 करोड़ इससे मोबिलाइज करेंगे और 41,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट से करेंगे। तो उन्होंने किया तो है, लेकिन इसके बावजूद जो प्लान बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, खास करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आप ये बताएं कि पिछले भले अगर चिदंबरम अभी होते या प्रणब मुखर्जी होते, ये तमाम जो सुधार जो नरसिंह राव मनमोहन सिंह के पहले बजट के बाद हर बजट में सुधार, हर बजट में विकास की बात करते करते जैसा बजट, वैसा ही ये बजट है या इससे ज्यादा क्रांतिकारिता लिए हुए? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो निरंतरता ही है, वो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी ज्यादा है इसमें बजाय इसके कि कोई मेजर डिपार्चर हो। निवेश के नाते विकास के जो जो विकास पर जो फोकस है या निवेश है या बाजार है देशी विदेशी निवेश, उनकी सेंटिमेंट्स में ये उछाला लाने वाला होगा या वेट एंड वॉच वाला रहेगा? मुझे लगता है कि उनके लिए तो इसमें काफी फैसले किए हैं, खास करके FIIs को, FDI को जो उनका मर्ज उनका खत्म कर दिया, मैट को लेकर फैसले किए हैं, कई ऐसे फैसले किए हैं जो उनको लुभाने वाले हो सकते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का फैसला अपने आप एक बहुत बड़ा मैसेज है, हालांकि उसके साथ एक काफी राइडर है और 4 साल में वो लागू होगा। लेकिन एक जो बड़ा सवाल यह है कि आपको जब कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की बात कर रहे थे तो लोगों को बड़ी अपेक्षा यह थी कि जो आम उपभोक्ता है उसके हाथ में भी कुछ पैसा आएगा ताकि डिमांड बढ़े। नहीं, तो उसमें आते तो ये भी कि मिडिल क्लास भी कोई खुश नहीं है, खुश नहीं और है। सर्विस टैक्स के कारण छोटी छोटी बढ़ोतरी से भी बढ़ोतरी हो गई, तो नहीं इधर के है न उधर के, कुल निकल। तो उसमें अब समस्या यह है कि अगर आप उसको उसके हाथ में कुछ पैसा देते तो शायद डिमांड भी बढ़ती इकोनॉमी में, तो उसके बजाय आपने एक तरह से जिनको छूट दी है अब उनसे अपेक्षा है कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। इसमें सबसे ज्यादा जोर यह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पैसा मोबिलाइज करें, इंटरनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, और उसके लिए जो बॉन्ड्स वगैरह लाने की बात है, खास करके रेलवे और रोड सेक्टर में, मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। रेलवेज में और रोड में, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, खास करके हेल्थ में और एजुकेशन में। क्योंकि अगर आप जैसे देखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेक इन इंडिया अगर सफल बनाना है तो उसके लिए स्किल्ड लोगों की बहुत जरूरत है, और उसके लिए एजुकेशन पर आपको खर्च बढ़ाना पड़ेगा। वो तो सब में इन तमाम बातों का जिक्र, इन सब बातों का जिक्र करते करते छोटी छोटी सारी चीजें की गई है, पर उसमें कटौतियां ज्यादा हैं। तो एक तरह से उन्होंने राज्यों के हवाले अब कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास फिजिकल स्पेस नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अब राज्य इसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। तो ये मतलब कुल मिलाकर इस बजट का क्या मैसेज है कि जो ऐतिहासिक राजनीतिक जनादेश मिला था उसी हिसाब से ये आर्थिक बजट या जनादेश या जो बजट की प्रक्रिया वो बना या उसमें कमी रही? मुझे लगता है कि जितनी अपेक्षाएं पैदा की गई थी और जितनी उम्मीदें थी उतनी नहीं है एक तरह से। उस नाते अंततः पूरे साल भर इसका सेंटिमेंट्स और इसको लेकर रूटीन वाला ढर्रेगा रहेगा या नहीं सचमुच में कुछ? अभी भी मैं समझता हूं कि जैसे उन्होंने कई फैसले किए, जैसे बहुत सारे फैसले इस पर भी निर्भर करते हैं कि RBI इंटरेस्ट रेट में कटौती कर, तो उसको लेकर उन्होंने RBI का हाथ बांधने की कोशिश की है। तो ये सब अभी देखने वाली बात है कि क्या होगा। जैसे 9 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाते हैं, ये सब अभी विचार नहीं रहेगा। 5 जो बिजली के लिए उन्होंने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के कहा कि प्लग इन प्लग एंड प्ले वाला हम सिस्टम शुरू करेंगे, यानी सारे क्लियरेंसेज लेकर सरकार तब उसको ऑक्शन करेगी। अगर ये सब वो करने में सफल रहते हैं तो इकोनॉमी में एक बढ़ोतरी आ सकती है, लेकिन ये सब काफी इफ्स पर टिका हुआ है। जी आनंद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।